हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सेशन ट्रैकिंग एंड सर्व रेट। सेशन ट्रैकिंग सर्व रेट में क्या होता है और इसको हम लोग कैसे करते हैं और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसे हमें यूज़ करनी पड़ती है सेशन को ट्रैक करने के लिए। बट ये सेशन करते क्यों हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डीपली जानेंगे और हम लोग समझेंगे कि इसका प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं हम लोग और प्रोजेक्ट में इसका क्या यूज़ होने वाला है, कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ पर रेड बटन का ऑप्शन होगा उसको भी क्लिक करिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मिल जाए। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सेशन ट्रैकिंग इज़ अ वे टू मेंटेन स्टेट। स्टेट मीन्स डेटा। हम क्या कर सकते हैं, सेशन ट्रैकिंग से डेटा को मेंटेन कर सकते हैं सर्वर पे। सेशन ट्रैकिंग एक टेक्निक है जिससे कि हेल्प से सर्वर क्या कर सकता है, किसी डेटा को मेंटेन कर सकता है, मतलब याद रख सकता है थोड़ी देर के लिए। इसको हम लोग बहुत बार स्टेट मैनेजमेंट भी को बोलते हैं, इससे कि हम लोग इसे स्टेट मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेशन ट्रैकिंग क्यों करेंगे। तो जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल होता है, हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग वेब पे कोई क्लाइंट सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है तो यही प्रोटोकॉल फॉलो होता है, यही प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ये जो प्रोटोकॉल है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। अब ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, क्या है स्टेटलेस प्रोटोकॉल, ये चीज़ समझते हैं। अब क्योंकि ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है इसीलिए हम लोग को स्टेट मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए हम लोग सेशन ट्रैकिंग यूज़ करते हैं स्टेट को मैनेज करने के लिए। तो अगर आप स्टेटलेस का मतलब समझ गए तो आप समझ जाओगे कि स्टेट क्यों मैनेज करना ज़रूरी है और क्यों हमें सेशन ट्रैकिंग करना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे सर्वर है, ये आपका सर्वर है जो आपने बनाया है विद द हेल्प ऑफ जावा, ठीक है। यहाँ पे आपने जावा की वेबसाइट डिप्लॉय की है जिसमें सर्वलेट्स बहुत सारे लिखे हैं और यहाँ पे एक क्लाइंट है जो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा, आपके वेब एप्लीकेशन को ओपन करेगा। तो जब भी इसको कोई पेज चाहिए होगा सर्वर का तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा आपके सर्वर को, ये रिक्वेस्ट भेजेगा। तो सपोज़ ये रिक्वेस्ट वन है और आपका सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और बेसिकली ये रिक्वेस्ट आपके सर्वलेट को यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगी और ये रिक्वेस्ट सर्वलेट एक्सेप्ट करेगा, इसको प्रोसेस करेगा और ये डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और ये रिस्पॉन्स दे देगा आपको। यहाँ पे HTML पेज दिखेगा। अब HTML पेज क्योंकि आया है लेकिन आप यूज़ कर रहे हो ब्राउज़र, तो ब्राउज़र को बहुत अच्छे से HTML पेज को पढ़ना आता है तो ब्राउज़र पढ़ के समझा देगा आपको, यहाँ पे कंटेंट वगैरह इमेज वगैरह दिख जाएगी। लेकिन जब आपको दोबारा दूसरा पेज चाहिए होगा तो आपको फिर से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी सर्वर पे। आपने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, दैट मीन्स आपको R2 रिक्वेस्ट टू भेजनी पड़ेगी। लेकिन अब बात आती है, जब रिक्वेस्ट टू भेजोगे तो बात आएगी यहाँ पे स्टेटलेस की। आपने पहले रिक्वेस्ट भेजी थी, सर्वर ने ऐसा सोचा था कि ये एक नई रिक्वेस्ट है तो मुझे होम पेज देना चाहिए। अब आप जब दूसरी रिक्वेस्ट भेजोगे तो सर्वर स्टेटलेस है, जो HTTP प्रोटोकॉल है वो स्टेटलेस है। इसका मतलब सर्वर क्या करेगा, हर एक रिक्वेस्ट को सर्वर एज अ न्यू रिक्वेस्ट ट्रीट करेगा। दैट मीन्स आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो भी ट्रीट होगी एज अ न्यू रिक्वेस्ट। तो सर्वर को यही नहीं पता लग पाएगा कि जो बंदा अभी रिक्वेस्ट भेज रहा था ये वही बंदा है जो पहली बार रिक्वेस्ट भेज रहा था, वही बंदा दूसरी बार भी रिक्वेस्ट भेज रहा है। ये क्या करेगा, पहली बार इसको ये दूसरी रिक्वेस्ट को समझेगा एज अ न्यू रिक्वेस्ट है तो ये ट्रीट करेगा एज अ नया यूज़र, वो सारा काम करेगा जो एज अ नए यूज़र के साथ करना चाहिए। मतलब ये इसने जो पहले रिक्वेस्ट में डेटा आया था वो कुछ भी याद नहीं रख सकता और दूसरे रिक्वेस्ट में जो आएगा अगर वो याद नहीं रख पाया तो सब ऑब्वियस ही बात है कि वो एज अ न्यू रिक्वेस्ट ट्रीट करेगा। इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं स्टेट मैनेज की प्रॉब्लम। और इसी प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए क्या मैनेज करना है, मैनेज ये करना है कि जब रिक्वेस्ट आएगी, जैसे फर्स्ट मान लीजिए पहले रिक्वेस्ट भेजी आपने लॉगिन की, अगर आपने लॉगिन कर दिया इसका मतलब जब आप दूसरी बार रिक्वेस्ट भेजोगे तो ऑलरेडी इसको पता होगा कि भैया ABC ने लॉगिन किया है तो आपको ये दिखा देगा ABC का कंटेंट विदाउट लॉगिन दूसरी बार। लेकिन अगर ये स्टेटलेस की बात करते हैं तो स्टेटलेस का मतलब होता है कि ये अगर आपने पहले रिक्वेस्ट में लॉगिन किया तो जब दूसरी रिक्वेस्ट भेजोगे आप तो ये लॉगिन हट जाएगा, वो याद नहीं रख पाएगा कि कौन सा बंदा
पहले रिक्वेस्ट भेजा था और अब कौन सा भेज रहा है वो एज अ न्यू रिक्वेस्ट उसको ट्रीट करेगा। तो स्टेट लेस का मतलब होता है कि ये सर्वर आपका याद नहीं रख पाएगा कि जो पहले रिक्वेस्ट में डेटा आया था वो दूसरी रिक्वेस्ट में वही बंदा रिक्वेस्ट भेज रहा है। सर्वर क्या करेगा रिक्वेस्ट उसको ट्रीट करेगा, हर एक रिक्वेस्ट को ट्रीट करेगा एज अ न्यू रिक्वेस्ट। अगर स्टेट मैनेज हो गया तो हम लॉगिन लॉगआउट वगैरह भी बना सकते हैं। दैट मीन्स अगर कोई बंदा लॉगिन करता है तो हम लोग यहाँ पे कोई डेटा रख पाएंगे, जैसे यूज़र की आईडी रख लेंगे या हम नेम रख लेंगे, ईमेल रख लेंगे और यहाँ पे हम रखे रहेंगे थोड़ी देर के लिए जब तक बंदा लॉगिन है। उसी समय अगर वो दूसरी रिक्वेस्ट भेजता है तो क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी लॉगिन है तो यहाँ पे हम उसका नाम दिखा देंगे डायरेक्ट कि भैया आप लॉगिन हो, अब दोबारा लॉगिन मत करो। अगर वो लॉगिन कर देता है फिर हम क्या करेंगे, अगर बार में तीसरी रिक्वेस्ट भेजता है तो हम उसको लॉगिन पेज दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि सर्वर ट्रीट्स एवरी रिक्वेस्ट एज अ न्यू रिक्वेस्ट, हर एक रिक्वेस्ट एज अ न्यू रिक्वेस्ट सर्वर ट्रीट करता है, अब चाहे वो कोई भी क्लाइंट भेज रहा हो। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ और इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। लेट अस सपोज सब आप यहाँ पे हो और सब लोग पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं एडमिशन लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, इट इज़ अ इंस्टीट्यूट, और आप गए पहली बार इस इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा इंक्वायरी करने और इस इंस्टीट्यूट ने बताया, सारी चीज़ें आपको बताई, इंक्वायरी वगैरह हुई और उसने कहा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन आज करा लेते हो, इफ़ यू गेट रजिस्टर्ड टुडे, अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, सपोज 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपने कहा हाँ यार आज ही करा लेते हैं, तो आपने पूरा फॉर्म ऑफ फिलअप किया, रजिस्ट्रेशन हो गया, पहली बार रजिस्ट्रेशन हो गया, आप पहली बार गए थे, फर्स्ट टाइम गए थे। जब आप सेकेंड बार जाओगे कल दोबारा अटेंड करने क्लासेस, आप सेकेंड बार गए, अगर यहाँ पे स्टेटलेस की प्रॉब्लम होगी इनके पास तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर स्टेटलेस की प्रॉब्लम होगी तो ये क्या, जैसे ही आप जाओगे आपको एज अ नया स्टूडेंट ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स सेकेंड रिक्वेस्ट में भी आपको एज अ नया स्टूडेंट ट्रीट करेंगे। और नया स्टूडेंट ट्रीट करने का मतलब है कि ये सारा ट्रीटमेंट वैसा ही देंगे, आपको वेलकम करेंगे, फिर बुलाएंगे, इंक्वायरी फॉर्म भरवाएंगे, रजिस्ट्रेशन फिर से करवाएंगे। और अगर तीसरी बार जाओगे तो फिर से क्या करेंगे, आपको एक नया अंदर नया स्टूडेंट ट्रीट करेंगे, तो सारा काम नए वाला करेंगे। दैट मीन्स जो सर्वर है, इंस्टीट्यूट है आपका, वो आप जितनी बार भी जा रहे हो आपको एज अ नया यूज़र ट्रीट कर रहा है और उसी हिसाब से काम यहाँ पे कर रहा है। दैट मीन्स उसको याद नहीं रख पा रहा है कि फर्स्ट रिक्वेस्ट में आप आए थे, फिर सेकंड रिक्वेस्ट में भी आप आए हो। अगर वो यहाँ पे याद रख ले, इसका मतलब उसने स्टेट को क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। पहली बार में गए थे, अगर यहाँ पे डेटा कुछ मेंटेन करके रख दे कि भैया इसकी आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जब आप दूसरी बार में जाओगे तो ये उसी से पता लगा लेगा कि भैया ये बंदा रजिस्टर्ड है। लेकिन ऐसा अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स स्टेटलेस है। अब आप जब सेशन ट्रैकिंग टेक्निक्स यूज़ करोगे तब आप इसको क्या कर पाओगे, यहाँ पे स्टेट मैनेज कर पाओगे, दैट मीन्स डेटा याद रख पाओगे। तो ये प्रॉब्लम है, स्टेट मैनेज हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेशन ट्रैकिंग टेक्निक्स। सेशन ट्रैकिंग को हम लोग स्टेट मैनेजमेंट भी कहते हैं। स्टेट जब मैनेज हो जाएगा तब आप क्या कर पाओगे, स्टेट मैनेज हो जाएगा तब आप लॉगिन लॉगआउट वगैरह कर पाओगे और बंदे रिक्वेस्ट जो भी आ रहे होंगे क्लाइंट को याद रख पाओगे, उसकी आईडी वगैरह जो भी होगा हम स्टोर कर लेंगे जिससे कि हम याद रख पाएं। तो सेशन को ट्रैक करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, सेशन ट्रैकिंग टेक्निक्स जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सेशन ट्रैकिंग टेक्निक्स हैं, सेशन ट्रैकिंग टेक्निक्स चार हैं। एक ट्रैकिंग टेक्निक होती है कुकी, सबसे पहली, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी जो टेक्निक है उसको हम लोग हिडन फॉर्म फील्ड्स बोलते हैं, इसको भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिर URL रिराइटिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेशन मैनेज कर सकते हैं। एट लास्ट HTTP सेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेशन को मैनेज कर सकते हैं। दैट मीन्स हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं, स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखें कि सेशन ट्रैकिंग होता क्या है, इसको मैनेज कैसे करेंगे, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुकीज़ क्या होता है, हिडन फॉर्म फीड्स क्या होता है, URL रिराइटिंग क्या होता है, HTTP सेशन क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोज़ में अपनी देखेंगे सर्वरेट की सीरीज़ में। अभी हम लोगों ने देखा कि सेशन ट्रैकिंग क्या होता है, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। सेशन ट्रैकिंग एक टेक्निक है जिसकी आपसे आप स्टेट को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि आप लॉगिन लॉगआउट ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। सेशन ट्रैकिंग की यूज़ होती है क्योंकि स्टेट को मैनेज करना है, मैनेज होगा स्टेट तभी आप लॉगिन लॉगआउट वगैरह सिस्टम बना पाओगे, सर्वर आपका डेटा स्टोर कर पाएगा। ठीक है,
यूज़ इसको मैनेज कैसे करते हैं, ट्रैक कैसे करते हैं, इसके लिए टेक्निक्स दी गई हैं, कुकीज़, हिडन फॉर्म फीड्स, URL रिराइटिंग, HTTP सेशन। जब आप ये सारी टेक्निक्स सीखोगे तब आप सीख जाओगे कि ये सारी टेक्निक्स कैसे यूज़ करके डेटा को मैनेज करना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एकदम क्लियरली समझा कि सेशन ट्रैकिंग होता क्या है। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।